वेलकम बैक गाइस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आप उबंटू को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ए टू जेड प्रोसेस आप देखेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस उबंटू को यूज करते और इंस्टॉल करते हुए, क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताया हूँ, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे ड्राइव क्रिएट करते हैं, कैसे बूट करते हैं और कैसे अलग अलग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो डोंट वरी गाइस, ये वीडियो आप क्लिक किए तो आपको परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस वीडियो में पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सारा चीज़ें इसमें बताया गया है और उबंटू हमको यूज क्यों करना चाहिए। एक्चुअली ये यूज हमको इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या कुछ ऐप बिल्डिंग, वेबसाइट बिल्डिंग या कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं जो कि आईटी से रिलेटेड हो, तो आपको उबंटू सीखना चाहिए, करना चाहिए उस पर काम, क्योंकि अदर चीज़ें जो है उबंटू बहुत रिलायबल है, बहुत सेफ है, सिक्योर है। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उबंटू कर देता है और विंडोज़ के पास ऐसा कुछ फीचर्स नहीं है, जैसे सिक्योरिटी का ही हो गया। तो ये उबंटू जो है हम लोगों को सिक्योरिटी देता है, हमारे डेटा को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। हैकर इसे हैक नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें ओपन सोर्स चीज़ें हैं और इसमें हर एक चीज़ें प्रोटेक्टेड होती हैं। तो आप उबंटू आपको यूज करना चाहिए और यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, यहाँ पे ओपन सोर्स मिलते हैं, इसमें कोई लाइसेंस, कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको लिनक्स यूज करना चाहिए, खासकर उबंटू, क्योंकि उबंटू विंडोज से थोड़ा रिलेट करता है। इसलिए मैं आपको विंडोज से रिलेटेड चीज़ें जैसे उबंटू को इंस्टॉल करके बताऊँगा और चला कर दिखाऊँगा। तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो आपको पहले उबंटू डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आपको पहले जाना होगा अपने उबंटू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उबंटू के वेबसाइट पर जाके आपको उबंटू इंस्टॉल करना होगा। ये देख रहे हैं आप पे कुछ 3 GB में है लगभग। तो आपको वो आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको एक रूफस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना होगा। कि आप रूफस के वेबसाइट पर जाके 3 MB का होता है ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब वो प्रूफ इंस्टॉल करेंगे तो उसको आप सर्च करके, जिस तरह मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, उसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपको एक इनका ड्राइव प्रॉपर्टी का एक बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपका जो पेन ड्राइव है, जिस पेन ड्राइव को आप बूटेबल बनाना चाहते हैं, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप पहले इंस्टॉल किए रहेंगे, आप ऐप जब ओपन करेंगे रूफस का, तो जो आपका पेन ड्राइव है वो सिलेक्टेड आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं रूट S32G का हमारा सिलेक्टेड आ रहा है। उसके बाद आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन को चूज करना होगा, जो कि आप ISO फाइल सेलेक्ट करेंगे। तो आप ISO फाइल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से क्लिक करके, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर लिया। और उसके बाद आपको क्या करना है कि पार्टीशन स्कीम जो है आपका, ये आपको देखना है आपका MVR है या GPT है। ये आप कैसे देख सकते हैं, आप अपने दिस PC के प्रॉपर्टी में जाके ड्राइव पार्टीशन में जाएंगे, वहाँ पे नो ड्राइव करके एक पॉपअप रहेगा, वहाँ पे आप राइट क्लिक करके और वहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हैं कि GTB है, जैसा कि मैं आपको बता भी दूंगा इसमें GTB है या MVR है। तो आप जैसा भी आपका है आप वैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मेरा GTP है तो मैं GTP सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा प्रोसेस। यहाँ पे कह रहा है कि आपका ये डेटा इरेज करेगा, तो आप इरेज करना चाहते हैं इरेज कर देगा और आपका ये GTP टू स्ट्रक्चर कन्वर्ट करके बूटेबल पेन ड्राइव आपको बना के दे देगा, जैसा कि मैंने इसमें बताया है करके। जैसे ही हो जाएगा आपका स्टार्ट वाला बटन इनेबल हो जाएगा, क्लोज आप कर देंगे। यहाँ पे क्लोज करते ही आपको अपना ये सिस्टम रिस्टार्ट करना है और आपको बूट कराना है पेन ड्राइव पे, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में एक विंडोज इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाया था जब, तो उसमें बताया था। तो आप रिस्टार्ट करेंगे और पेन ड्राइव को सेट करेंगे। और अगर मैं आप मेरा लैपटॉप ठीक है तो मैं F9 प्रेस करूँगा, क्योंकि मेरे HP लैपटॉप में F9 का बूट मैनेजर है, इसमें क्लिक करने पर ओपन होता है। और अलग अलग सिस्टम में अलग होता है, मैं आपको स्कीम दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो आप इस तरह से कुछ बूट करा सकते हैं। जैसे ही आप बूट कराएंगे आपको आपको आपका बूट मैनेजर ओपन होकर दिखेगा। उसके बाद आप देखेगा और यहाँ पे आपको USB हार्ड डिस्क ड्राइव सैंड डिस्क का सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ट्राई और इंस्टॉल टू करना है। उसके बाद आप जब ये करेंगे तो आपका उबंटू ओपन हो जाएगा, उबंटू का लैपटॉप डेस्कटॉप जो है, और आपका उबंटू ऐसे कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। बाद आपको यहाँ पे ट्राई कर लेना है कि आपका सारे ड्राइवर्स और सारे स्पीकर्स एंड सारे चीज़ें वर्किंग में है नहीं। अगर वर्किंग में है, सारी चीज़ें सही प्रॉपर वर्क कर, तो आप इसमें उबंटू इंस्टॉल कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ब्राइटनेस नहीं तेज़ हो रहा है या आपके वाईफाई कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं या बैटरी का कुछ इशू है,
तो आप फिर उबंटू मत इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपका इंस्टॉल होने के बाद भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप यही है कि तो अगर आपका ब्राइटनेस नहीं काम कर रहा है तो ये उबंटू इंस्टॉल होने के बाद भी काम नहीं करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे सारा चेक कर लेंगे, और अगर वाईफाई कनेक्ट हो जा रहा है तो आपका जितने चीज़ें यहाँ पे ट्राई कर लेंगे वर्किंग में रहेंगे, ये उबंटू इंस्टॉल होने के बाद भी सारा काम करेगा। तो यहाँ पे आप ट्राई करके ही उबंटू इंस्टॉल कीजिए। तो मैं आपको और भी चीज़ें चला के दिखाता हूँ ब्रदर्स, एंड यहाँ पे सारे मेरे फाइल्स जा रहे हैं। अगर मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा उबंटू तो मुझे कुछ जैसे विंडोज़ के जो फाइल हैं उसको हमको डिलीट नहीं करना है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको डिलीट नहीं करना है, तो मैं वो सब नहीं करूँगा, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगा। तो अभी मैं इंस्टॉलेशन यहाँ पे जा रहा हूँ बताने। यहाँ पे आप ट्राई एंड इंस्टॉल का जो आइकन बन के आ रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये उबंटू इंस्टॉल होगा। तो मैं अपना लोकेशन यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मैं वाईफाई कनेक्ट करूँगा, क्योंकि वाईफाई अगर आप नहीं कनेक्ट करेंगे तो आइए आप सेशन एक्चुअली लेगा लेकिन आपके जो इसेंशियल फाइल हैं वो डाउनलोड नहीं करेगा, जिससे आपका सिस्टम भी सही से काम नहीं करेगा। तो पहले आप यहाँ वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए तभी आगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ वाईफाई कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल जो चेक बॉक्स है थर्ड पार्टी हार्डवेयर, यहाँ पे इसलिए आपको ये क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी ड्राइवर्स रिक्वायर कॉन्फ़िगरेशन सिक्योर बूट यहाँ पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें प्रोटेक्टिव चीज़ें इंस्टॉल करके देगा जो आपका ऑनलाइन इंस्टॉल होगा। तो ये आप चेक करे रहेंगे यहाँ पे तो आपका ये सही रहेगा। यहाँ पे आपको चूजन पासवर्ड का पासवर्ड दे देना है, क्योंकि जब आप बार बार ओपन करेंगे तो यहाँ पासवर्ड रहेगा, और जब पासवर्ड आप सही इंटर करेंगे तो आप उबंटू के डेस्कटॉप पे लैंड करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और दोनों में से आगे चूज कर लेता हूँ समथिंग एल्स। तो समथिंग एल्स मुझे करना है और उसके बाद मैं आगे फिर यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पे मेरे सारे डिस्क दिख जा रहे हैं और मुझे करना है कि मुझे अभी विंडोज़ डिलीट नहीं करना है, मुझे रखना है विंडोज़ को और यहाँ पे एक नए ड्राइव में मुझे एक उबंटू इंस्टॉल करना है। तो अगर आपको विंडोज़ डिलीट करना है, सबसे लार्जेस्ट जो फाइल है जो आप देख रहे हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर वो डिलीट करेंगे तो आपका विंडोज़ डिलीट हो जाएगा और केवल उबंटू आपके सिस्टम में बचेगा, जो कि बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको दोनों की रिक्वायरमेंट है या कुछ डेटा की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे वो कंटिन्यू करके यहाँ पे आपने सेलेक्ट यहाँ पे जो हमारी कंट्री है वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर यहाँ पे लोकेशन डाल देता हूँ। थोड़ा वीडियो विजिबल नहीं होगा, ये थोड़ा कैमरे की प्रॉब्लम थी तो आप समझ सकते हैं थोड़ा क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना लोकेशन कंटिन्यू करूँगा, डिवाइस नेम भी देता हूँ और भी चीज़ें दे देता हूँ जो कि ज़रूरी है, पासवर्ड भी दे देता हूँ ज़रूरी है, जो सिंपल सा पासवर्ड है जो आपको याद रहे। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दें। फिर जैसा कि हमारा उबंटू नियर अबाउट कंप्लीट होने वाला है, लास्ट प्रोसेस चल रहा है, तो कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे वेलकम टू उबंटू आ रहा है, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें बता रही हैं जो मैंने वीडियो स्किप किया है, क्योंकि ये केवल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है इंस्टॉल करने में। तो आप थोड़ा उबंटू बेटर होता है, इसलिए बेटर होता है क्योंकि आपको यहाँ प्रोडक्टिव चीज़ें देती हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है, और अगर आप टेक्निकल में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं तो आपको उबंटू यूज करना चाहिए। पहले मैं कॉलेज में ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा इसको समझ के, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस होता है तो यहाँ पे तो मैं आपको हैकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आप एक यूट्यूबर भी हैं तो आपको उबंटू यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका चैनल प्रोटेक्टिव रहेगा और कोई दिक्कत आपके चैनल के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे चीज़ें आपको लिमिटेड मिलती हैं और सिक्योर मिलती हैं। तो मैं यही कम से कम शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ ये ट्राई करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कलेक्टिंग माई सब्सक्राइबर एंड बुकिंग 1K सब्सक्राइबर प्लस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।